Hey guys, may your preparation for the TSS 2018 would go well. And I got a few comments from few people. Like one of the friends is saying about the Hindi version of GDPI, PIT, about the GDPI experiences. And one of the friends is asking for the GDPI experiences of mine in TISS Mumbai. Now coming to the point, why I choose English as the medium on the YouTube channel is because from the first day of my YouTube channel, the first video was the TISS NET, the first video which garnered around 1.3k views, and it's going on with the love of yours. Why I speak in English, because from the first day I am dedicated that what the video which I uploaded on YouTube should be in English, and it would help me to prepare simultaneously about my GDPI, because my English is not so good at that time. And I think that after doing this one, giving regular videos, uploading regular videos on YouTube is helping me a lot to make my English spoken much better. So I also didn't have time to go here and there to learn English and go to English tuition classes, because I have to maintain my shop. This is my shop, okay. This is my shop which I have to maintain. So I do my preparation for all the things by myself. Now coming to Hindi, भैया हमको हिंदी भी आता है अच्छे से, ठीक है. बस वही बात था कि बताइए कि है ना आपको इंग्लिश में काहे बोलते हैं, ठीक है. थोड़ा ठेठी बोल रहे हैं, थोड़ा बिहारी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है. अच्छे से भी हिंदी आता है, मगर थोड़ा सा कॉमेडी में ही बात हो जाए. अब जहाँ तक बात रहा जी डी पी आई एक्सपेंसेस का, तो कुछ लोगों से मैंने बात की, एच आर वालों से बात की है, टी एस एस मुंबई ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर वालों से बात की है. मेरा एक दोस्त है सौविक, सौविक सिलसिला, और एक है एच आर वाला मेरा दोस्त है आपको सिद्धार्थ, हाँ वो केरला साइड का है, चेन्नई साइड का. तो उससे मैंने बात की, तो मेन है कि सौविक बता रहा था कि सब कुछ बहुत टफ होता है. क्योंकि मेरा भी मानना है कि जब मैं वुमेन स्टडीज़ का इंटरव्यू देने गया था तो सारा कुछ बहुत ज़्यादा टफ था. आपको ऐसे राइटिंग देना है, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बैठना है, भाई हालत ख़राब हो जाती है बाहर बैठे बैठे. मतलब पैनलिस्ट अंदर क्या सवाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दिमाग में घुसना. आप जाओगे नॉर्मल, मगर आओगे अब नॉर्मल, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और मेन थिंग क्या है ना कि आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो तो कोशिश करो आप जो भी बोलो वो आप अडिग रहो उस बात पे, ठीक है. मतलब 10 गो बात बोल दिए तो उसमें से तुमको फंसा लेगा, वो जो पैनलिस्ट लोग हैं वो आपको फंसा लेंगे, ठीक है. आप जो बोलेंगे उसी से फंसाएंगे, ठीक है. आपसे कुछ अलग कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपके बेसिक्स पूछेंगे, व्हाई काहे आई टी एस एस मुंबई में, क्या कारण है, एच आर ही क्यों लेना है. सबसे पहली बात तो एच आर क्यों ले रहे, ठीक है. तो एच आर आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों एच आर ले रहे हो, या डेवलपमेंट स्टडीज़ क्यों ले रहे हो, या वुमेन स्टडीज़ क्यों ले रहे हो, या ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर क्यों करने आए हो, हॉस्पिटैलिटी क्यों कर रहे हो. तो ये सब चीज़ क्लियर रखोगे तो हो जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है. और ज़रूरी नहीं है कि वर्क एक्सपीरियंसेस, ठीक है मानते हैं थोड़ा बहुत चाहिए, ठीक है, मगर अगर नहीं है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है. वर्क एक्सपीरियंसेस कोई बड़ी बात नहीं है. और जहाँ तक बता रहा था दोस्त लोग, तो जीडीपीआई नॉर्मली है, कोई एक अच्छा सा टॉपिक दे देगा जो करेंट इश्यूज में चल रहा है, ठीक है. बाकी मेन इंटरव्यू, ठीक है, ध्यान रखिए जो बोले नाप तौल के बोले, ठीक है, और अडिग रहें अपने बात पे, ठीक है. अपना फर्मनेस दिखाएं, ताकि वो एक वीडियो था फेसबुक पे, आई थिंक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, शायद आप लोग ने देखा होगा. तो उस चीज़ को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो असलियत भी है, ठीक है. आपको फर्मनेस अपना दिखाना पड़ेगा, ठीक है. और इंग्लिश तो ज़रूरी है ये, तो आपको इंग्लिश में ही बात करना है, तो स्पोकन जितना अच्छा कर लीजिए. और सब डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत चल सकता है हिंदी, मगर आई थिंक एचआर और जो ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर डेवलपमेंट स्टडीज़ में आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा. तो स्पोकन अपना सही कर लीजिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
और जहाँ तक रहा था मेरे एक्सपीरियंसेस का बात, तो भैया पहले तो दिए थे अपना ऐसे राइटिंग दिए थे, दो तीन को चीज टॉपिक था वोमेन से रिलेटेड, गवर्नमेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वोमेन डिपार्टमेंट के लिए, फेमिनिज्म के लिए, और एक दो केस स्टडीज दिया गया था। उसके बाद जो है पीआई के लिए बुलाया गया, तो 5-6 नंबर के बाद हमारा था, तो बड़ा दिक्कत हो रहा था भैया, ठीक है, गर्म हो गई थी, क्या गर्म हो गई थी समझ रहे होगे, ठीक है, तो तावे की तरह धीप रहे थे हम लोग, और मतलब मन में चल रहा था कि क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो सब कुछ नॉर्मली था, डरने की ज़्यादा बात नहीं थी। मेन है जो हम बोलते थे उसी से वो, ठीक है, पॉइंट उठा के पूछते थे, ठीक है। सबसे पहले तो पन्ना एक भर, मतलब पहले ही मिल जाता था भरने के लिए, कि पहले से ही, ठीक है, अपलोडेड था वेबसाइट पे, डाउनलोड करके उसको आप भरिए, तो उसको हम आपको पीडीएफ अगर होगा तो मेरा जो पेज है फेसबुक वाला MBA कोरा, उस पर हम डाल देंगे कि इस तरह का चीज़ भरने के लिए कहा गया था। तो ये सब चीज़ आप क्लियर रखिए, वाई आर यू परस्यूइंग दिस कोर्स, YTSS, ठीक है, ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मेन है क्या कि अपना फर्मनेस बरकरार रखिए, बाकी HR वगैरह जो है सब हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड लास्टली अगेन नॉट आस्क मी टू स्पीक इन हिंदी, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेंटेन माई प्रॉमिस, ओके, थैंक यू फॉर योर लव एंड केयर, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो इन हिंदी, ओके, थैंक यू।